यस गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज मैं एमएम स्कूल द्वारा ऑनलाइन क्लास लेने जा रही हूँ, जिसमें क्लास है फॉर एंड सब्जेक्ट एंड हिंदी ग्रामर। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। तो कि भाषा क्या होती है? भाषा वह है, हमारे देश में कई जातियों के अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सबकी क्या है, अलग अलग भाषाएं, इन सबकी अलग अलग लैंग्वेज, सब अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम आपस में बात करते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, वह क्या है, भाषा है। तो भाषा की डेफिनेशन होगी, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक और लिखित, दो रूप होते हैं। भाषा का मूल रूप मौखिक है। भाषा का मूल रूप क्या है? मौखिक। जो हम बात करते हैं वो मैन मूल रूप है, वो भाषा का मूल रूप मौखिक है। हमारे भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी। कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? 22 भाषाओं की मान्यता दी है। वर्णों के लिखने की विधि लिपि कहलाती है। वर्णों के लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी में देखो, हिंदी भी आती है, संस्कृत भी आती है और मराठी भी आती है। इसके बाद पंजाबी। पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन, ठीक है ना। तो अब 22 भाषाएं कौन कौन सी है, किन किन भाषाओं को मान्यता दी वो मैं बता रही हूँ। असमिया, गुजराती, बंगला, संस्कृत, उड़िया, डूंगरी, बोड़ी, सिंधी, उर्दू, तमिल, मणिपुरी, मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, हिंदी, कश्मीरी, नेपाली, मिथिली, कोंकणी, पंजाबी, ये सब भाषाएं अलग अलग देशों में अलग अलग बोली जाती है। इसीलिए हमारे भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ये बात आपको अपनी नोट ग्रामर की नोटबुक में करना है नीट एंड नीट, और वापस मेरे को भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ही भेज रहे हैं, आपको ग्रुप के अंदर नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास यही खत्म होती है। जय श्री कृष्ण।